भाई भाई हाँ हाँ भाई, बैठ भाई बैठ। क्या हुआ, इतना आप क्यों रहे हो भाई एक बात बताऊँ, किसी से नहीं बताएगा? बताइए क्या बात। यार किसी से बताएगा नहीं ना? नहीं नहीं भाई कैसे बताऊँ तुझे यार, जानता हो भाई क्या हुआ? मुझे यार ना गुप्त रोग हो गया है भाई। ये तो तुझे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है गुप्त वाली, तू तो मर जाएगा जल्दी। भाई ये क्या कह रहा हो, सही में मर जाऊंगा? हाँ भाई ये बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, कुछ उपाय बता। इसका उपाय कोई नहीं है भाई, जब तक जिंदा रहना है आराम से घर पे रहो, मैं तुम्हारी कोई इलाज का दवा खोजता हूँ ठीक है? भाई मैं आराम करने जाऊंगा और खूब आराम करूंगा, यार मरूंगा नहीं ना। भाई अब खतरनाक बीमारी हो गई है तो इसका क्या उपाय है, मैं कोई जुगाड़ करूंगा दवा का ठीक है? जाइए आराम से घर पे सो जाइए ठीक है, जाओ तुम। भाई लेकिन यह बात किसी से बताना मत। नहीं भाई मेरे पे विश्वास करो यार भाई, तुम पहले मेरा कसम खा। भाई कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगा यार भाई, विश्वास करो हम पे। यह बात मेरे अंदर है और तुम्हारे अंदर है, मैं अपनी बीबी को भी नहीं बताया। ठीक ठीक भाई, जाओ किसी से नहीं बताएगा ना? ठीक है भाई, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है भाई, जाओ घर पे। मैं जा रहा हूँ भाई, लेकिन किसी से बताना मत भाई। ठीक ठीक भाई तुम जाओ, तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है, जाओ भाई। ठीक ठीक भाई, ठीक भाई जाओ जाओ साले। ठीक है जाओ, अब मैं तुम्हारा प्रचार पूरे गांव में करूंगा। साले बहुत मजा लेता था ना दूसरे का, ठीक है जा मैं तेरा मजा ले आता हूँ पूरे गांव में साले। नमस्ते भैया। और ठीक है भैया, एक राज की बात पता चली है हमको। राज भाई वो चिथरू नेता नहीं है? हाँ 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 हाँ। उसको गुप्त रोग हो गया भैया। हाँ वो जल्दी मरने वाला है। मेरी साला सही बात कर रहा हूँ। हाँ भैया हमको आकर बता रहा था सुबह में आके। भाई पूरे गांव में बता दो सबको, जिसको नहीं पता है उसको भी बता दो। ठीक भाई पूरे गांव में पूरा शोर। ठीक भैया मैं पूरे गांव में सबको बता देता हूँ। चिथरुआ खो गया समझ लो, बहुत बढ़िया हुआ, बड़ा आतंक मचाया था। हाँ भैया बहुत मजा लेता था। बहुत, 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 बहुत। भैया ठीक मैं पूरे गांव में बता दूंगा आज रात को सबको ठीक। और सुमन भाई क्या हाल है? और पंकज भाई ठीक है? हेलो एक बात बताता हूँ राज की, आइए। बताइए भाई क्या बात है? यार आइए बताता हूँ भाई। बोलिए क्या हुआ भाई? वो चिथरू नेता नहीं है? हाँ वो हमारे पास आया था सुबह में। हाँ हमको बता रहा था कि उसको गुप्त रोग हो गया है। अरे यार ये तो बहुत खुशी की बात है यार, चिथरुआ को। हाँ भाई वो जल्दी ही मरने वाला है 2-4 दिन में। अच्छा जो चिथरुआ है जो हम लोग को मजा लेता था। हाँ भाई वही जो मजा लेता था, मैं सोचा पूरे गांव में सभी को बता दूं। हाँ नहीं तो बहुत अच्छी की बात है कि आप सबसे बता दे रहे हैं। वो यार इतना हरामी लड़का था कि हम लोग का यार हमारे पास नमोनिया हुई थी यार, हमारा भी मजा ले लिया। हमारा भी मजा लिया था भाई, हमको बुखार हुआ था इसीलिए मैं भी उसका मजा पूरे गाँव में लिया हूँ। चिथरू नेता जो है ना वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत खराब लड़का है। मैं सोच रहा हूँ दूसरों को बहुत मजा लेता है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी मर जाए, उसके घर पे चलेंगे, उसकी मेहरारू को बहुत मजा लेंगे हम दोनों। ठीक है भाई बहुत मजा लेंगे। वो देखिए कब जाता है, वो भी बहुत मजा लेता है पूरे गांव में घूम घूम के। ठीक है भाई मैं बता दूं, मैं सभी को बता दूंगा। ठीक है भाई, ठीक भाई मैं जा रहा हूँ बाहर। ठीक भाई अरे मोहन भाई कहाँ? बस भाई गांव में जा रहे थे भाई। एक राज की बात बताऊं? बताओ बताओ भाई। वो जो चिथरू नेता नहीं है? हाँ उसको गुप्त रोग हो गया है। गुप्त रोग? हाँ ये तो खुशी की बात है भाई। भाई वो मरने वाला है जल्दी, 2-4 दिन में। हाँ चलो भाई मरने दो, हम अपने घर मिठाई बटवाएंगे पूरा गांव में। हमको भी खिलाना भाई मिठाई। भाई सबको खिलाएंगे हम। ठीक है भाई, ठीक भाई तब जाओ गाँव में घूमो। ठीक भाई, ठीक है भाई।
भाभी जी क्या सोच रही हैं आप? कुछ तो नहीं सोच रहे हैं। आप बहुत गलत कर रही हैं। मैं क्या गलत कर रही हूँ? आप भैया को बदनाम कर रही हैं, ये गलत नहीं है। भैया को मैं बदनाम कर रही हूँ? मैं तो समझी नहीं। आपको नहीं पता है क्या? भैया को गुप्त रोग हो गया है। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाभी जी, सही बात है। अच्छा, तभी तो रात में मेरे साथ सोते ही नहीं हो। क्या बात कर रही हैं भाभी जी? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? भाभी जी, मैं दवा का जुगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है भाभी जी, मैं जा रहा हूँ, गाँव में कुछ काम बाकी है। ठीक है। और भाई क्या कर रहे हो तुम सब? बस मोबाइल वोबाइल चला रहे हैं। तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं। वो चिथरू नेता है ना? हाँ। उसको गुप्त रोग हो गया है। कैसे हो गया उसको? अब पता नहीं, कहीं जा रहा होगा किसी के पास, उसको हो गया है। हमको भी पता चला है, आज सुबह में आकर बताया है। ठीक है, वो सबका बहुत मजा ले रहा था। हाँ, वो सब बहुत सबका मजा ले रहा था वो। ठीक है भाई, ठीक भाई, मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ काम और है। और भाई कहाँ घूम के आ रहे हो? कुछ पता है तुम लोगों को? नहीं पता है। वो चिथरू नेता है ना? हाँ। अपने गांव का, उसको गुप्त रोग हो गया है। हम लोगों को तो अभी पता ही नहीं था, आप अभी बता रहे तो हमको पता चला है। हाँ, तो हमको भी वही आके बता रहा था चिथरू नेता। हम पूरे गांव को बता रहे हैं, वो बहुत मजा लेता है ना सभी का। हाँ हाँ, मजा तो लेता ही। हाँ भाई, अब हम भी आप गांव में बता देंगे कि सबको कि उसको ये हो, जिसको नहीं पता है पता सभी है। सभी को बता दीजिए। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है। ठीक है, जाइए। क्या हुआ, क्यों तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो बताओ, क्या घट गया है अब रो रही हो? मैंने सुना है तुम्हें गुप्त रोग हो गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, तुम्हें कुछ हुआ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। मैं कह रही हुआ है, तभी तुम रात को मेरे साथ नहीं सोते हो। कुछ नहीं हुआ। चलो दवा लेने, चलो चलो। मैं नहीं जाऊँ। नहीं चलो। अरे तुम पागल बन रही हो। नहीं, तुम चलो। नहीं हुआ जी। नहीं, तुम चलो दवा लेने। मैं नहीं जाऊँगा। हटो। नहीं, तुम मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं चलो तुम। नहीं जाऊँगा। नहीं चलो। मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊँगा। मैं माइक के चली जाऊँगी। चलूँगा। चलो चलो दवा लेने, चलो चलो। क्या हुआ भाई? तुम्हें साले मना किया था ना कि किसी को मत बताना, साले सबको बता दिया ना, तुमको ही बताया था ना? हाँ, मुझे यही बताया था। क्यों कुत्ते कमीने, हाँ? मेरे पति को बदनाम कर रहा है, मेरे पति को बदनाम कर रहा है तू, हाँ? मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी, मेरे पति को बदनाम कर रहा है, मेरी बेइज्जती करा रहा है, दोबारा दिखना मत, मेरे घर आना मत दोबारा। चलो जी, चलो चलो, तुम भी चलो, इसकी तरह तुम भी हो, चलो जल्दी आओ।